तो आज आम ट्राए करवा मीटर ब्रिज रो प्रॉब्लम सॉल्व करिया पे। तो धरि नियो क्वेश्चन तो मोर एमती अछि कि गोटे मीटर ब्रिज अछि एटा हला दुईटा तरह एल शेप रो कॉपर स्ट्रिप एटा आ गोटे रेक्टेंगुलर शेप रो कॉपर स्ट्रिप गोटे रेजिस्टेंस अछि गोटे रेजिस्टेंस अच्छे आर लेंथ है के जेहेतु मीटर ब्रिज ताने ए वायर लेंथ है 1 मीटर इट इज 1 मीटर इज इक्वल टू के 100 सेंटीमीटर। तापर कौन देना धरन ये गोटे रेजिस्टेंस लगे आर एटी गोटे रेजिस्टर लगे धरन आर वैल्यू है के वैल्यू है 70 ओम गिवन देन से कौन कही गैल्वेनोमीटर रो नल पॉइंट के देखी बा गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन के देखे ना एट लेंथ लेट इट बी 60 ताने गैल्वेनोमीटर गैल्वेनोमीटर रो नल पॉइंट आसी पॉइंट रे जितेबाला गैल्वेनोमीटर ये पहुंचे गैल्वेनोमीटर रो जकि गैल्वेनोमीटर कौन कले ना डिफ्लेक्शन देखेनि तमाने डिफ्लेक्शन जो देखेनि तमाने आम से बैलेंस कंडीशन पुट कर पारिबा दैट इज आर रेशियो इज इक्वल टू एतिक लेंथ डिवाइडेड बाय एतिक लेंथ बाय एतिक लेंथ डिवाइडेड बाय 100 माइनस एतिक दैट इज एतिक जहाँ भी कले चलो। तो से पचार आर टाला अननोन रेजिस्टेंस आर रो वैल्यू फाइंड आउट करने तो आर रो वैल्यू आम के फाइंड आउट करवा कंडीशन पुट करवा दैट इज आर बाय 70 इज इक्वल टू केते हबो एल डिवाइडेड बाय 100 माइनस एल तो माने आर डिवाइडेड बाय 70 इज इक्वल टू एल केते लेंथ रे नल पॉइंट देखे 60 तो माने एल इज इक्वल टू केते 60 डिवाइडेड बाय जदि एतिक टोटल टाले 100 एठ होती केला 60 ताले एठ होती केते हो ऑब्वियसली 40 हो माने 100 टू 60 गले केते 40 या फिर हमें फार्मूला पुट करबा 100 माइनस एल दैट इज 100 माइनस 60 सो आर बाय 70 इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय केते गला ये 40 ए कटि गला 3/2 हो गला त माने 2r इज इक्वल टू 7 केते 21 210 तो आर इज इक्वल टू 210 डिवाइडेड बाय 2 ओम या फिर तुम ये चाहिए आउ टे सिंप्लीफाई भी करी पारिबो डिपेंड करू छ तुम ऊपर त मन आर रो वैल्यू ती बारे गला फिर जदी सिंप्लीफाई भी करू छ ताले केते केते जो ये वाला 10 ये वाला 5 105 त मन आर रो वैल्यू हला 105 ओम। तो ए भली भाबरे कोन करबा ना हमें अन्न जदि हमको नल पॉइंट दे देछि त माने हमें लेंथ कैलकुलेट कर देले हमको लेंथ दरकार एठी हमको गोटे रेजिस्टेंस देछि दैट इज 70 एठी हमें कोन कर परबा ना आ गोटे रेजिस्टेंस अननोन रेजिस्टेंस रो रेजिस्टेंस वैल्यू आराम से कैलकुलेट कर परबा। तो ई हला गोटे प्रकार न्यूमेरिकल। नेक्स्ट हमें आ गोटे न्यूमेरिकल ट्राई करबा या फिर हमें एमटी भी कर परबा कि आ रिलेटेड आ गोटे माने ए क्वेश्चन को धरे कि हमें आ गोटे आ गोटे टाइप रो न्यूमेरिकल करवा। तो धरि नियो एति कि बाहरी गला त माने या फिर हमें आउथरे बने दवा ही बेटर हो। तो धरि नियो नेक्स्ट क्वेश्चन हला हमरो ये था गोटे मीटर ब्रिज आर लेंथ है लगे थे आखि बंद करके पुट करियो 1 मीटर दैट इज 100 सेंटीमीटर 1 मीटर 100 सेंटीमीटर एट होते कि गोटे रेजिस्टेंस लगे एट होते कि भी गोटे रेजिस्टर लगे। तो क्वेश्चन है कौन ना क्वेश्चन मो पाखे अच्छे एक्चुअली गोटे आई आई टी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है द गिवन फिगर तमें ए फिगर
शोज द एक्सपेरिमेंटल सेट ऑफ ए मीटर पीस एटाटे मीटर पीस को कोन करूची ना दर्शोची द नल पॉइंट इज फाउंड टू बी 60 सेंटीमीटर नल पॉइंट तमन एठी गैल्वेनोमीटर लागेला गैल्वेनोमीटर रे नल पॉइंट तमरो देखेला केते रे 60 सेंटीमीटर रे तमन एठो तिक लेंथ ला केते 60 तमन येला 0 येला 100 काई ना एठो तक हला 100 सेंटीमीटर नल पॉइंट देखेला 60 तो एठू एथिक को लेंथ को जदे हम एल कंसीडर करबा ताले एल हे गला केते 60 देन 100 माइनस एल केते हि जीवो 100 रु 60 गले केते 40 त माने ए गला केते 40 धरी नियो आर वैल्यू हला आर आर वैल्यू हला एस देन हम फार्मूला पुट करके आर बाय एस रो रेशियो कोन कर परबा ना बाहर कर परबा आर बाय एस केते हबो तो R by S is equal to L divided by 100 minus L तो यहला 60 divided by 40 40 वाला 3 by 2 तो R by S is equal to यहला केते 3 by 2 या फिर हमें करी परिवा केते करी परिवा 2R is equal to 3S तो R is equal to 3 by 2 S. देन क्वेश्चन कौन दीजिए हमें नॉर्मली क्वेश्चन के लिए इतनी देती हूँ कि इम्तिहान दिया रजिस्टर अच्छी से जितने बड़ा गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है जी मैंने गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नॉल पॉइंट कितने बड़े देखो जी और डिफ्लेक्शन कितने बड़े देखो नहीं जितने बड़े से 60 लेंथ पर्यंत जाओ जी तो मैंने ए पॉइंट डिफ्लेक्शन देखो नहीं नेक्स्ट ता पोरे क्वेश्चन कोन दीजिए ना इतनी तो नॉर्मल जिन्स हो फाउंड टू बी 60 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ए तो मैंने ए पॉइंट है ला ए पॉइंट है ला धरनियो सी तो से दीजिए ए ठारो 60 मीटर अवे रे दूरता रे नॉल पॉइंट बाहर छि जोटा में बाहर कर सार लेनी ऑलरेडी देन से क्वेश्चन ए दीजिए इफ नाउ ए रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ एस एठी एस रेजिस्टेंस अछि ना से दीजिए यदि आमे कौन करीबा ना आ पाखेरे नहीं कि आ गोटे रेजिस्टर लगेबा केते ओम रो 5 ओम रो तमन एठी आमे कौन करीबा आ गोटे रेजिस्टर लगेबा जार वैल्यू हैला 5 ओम कनेक्टेड इन सीरीज विथ एस पैरेलल नहीं सीरीज अछि कैना करंट जे तोर फ्लो होछि एठी एथिके जति करंट फ्लो हो एठी भी सेति के अमाउंट रो करंट कॉमन फ्लो हो सीरीज रे लागै छै सीरीज रे विथ एस एस सहित द नल पॉइंट ऑकर एट 50 सेंटीमीटर आगुरु नल पॉइंट केते थिला जेते बेले 5 ओम आमे लगै नथिले सेते बेले से 60 रे थिला एबे जेते बेले आमे 5 ओम रो रजिस्टर गोटे ऐड करथिले सेते बेले नल पॉइंट कोठी के पळेला ना 50 को पळेला ता माने शिफ्ट हे गला 60 रे थिला एबे ये 50 को पळेला ता जदी 50 को पळोची ताले हमें कंडीशन को पुट करबा ए कंडीशन पुट करबा एठी कंडीशन जो पुट करबा एटा हला स्टेप 1 नॉर्मल द नॉर्मल जिंसटा एबे हमें क्वेश्चन को आसे स्टेप 2 स्टेप 2 रे कंडीशन हला कोनो आर बाय ए रजिस्टर डिवाइडेड बाय ए रजिस्टर इज इक्वल टू एति के लेंथ डिवाइडेड बाय एति के लेंथ बा एल डिवाइडेड बाय 100 माइनस एल तो एबे हमें कौन करिया ना देखो ए सहित 5 ओम रो गोटे रेजिस्टर कोथरे लागि छि सीरीज रे लागि छि आ जते बेले रेजिस्टर माने सीरीज रे कनेक्शन हि थंदी हमें जान छै जे हमें डायरेक्ट कोन करू प्लस कर दो तो माने पका सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर तो जते बेले एठी ए सहित आ गोटे रेजिस्टर लागु छि 5 ओम रो सेते बेले को होछि ना ए 60 रे नल पॉइंट देखौतला एबे 50 रे देखौछि त माने एठी ए लेबे केते 50 त माने 100 माइनस एल केते होबो 100 माइनस एल इज इक्वल टू 100 माइनस एल जगह रे केते पुट करली 50 तो ये भी केते हला 50 सेंटीमीटर त माने एठो इति की 50 एठो इति की 50 अच्छा एबे हम कंडीशन पुट करबा ए दीटांग रेजिस्टर रो रेशियो बा रेजिस्टेंस वैल्यू रो रेशियो इज इक्वल टू एति की लेंथ डिवाइडेड बाय एति की लेंथ लेंथ केते होची 50 एल 100 माइनस एल केते से भी 50 इज इक्वल टू ये केते आर आर को आर रहिला एस एस जगह में केते रखिबा एस जगह में लिखिबा एस प्लस 5 काहे कि ना ए दीटा रेजिस्टर एबे कोथरे अछन दिना
सीरीज रे कनेक्टेड हो मैंने ये खाली एस को कनसीडर करवानी एबे आमे कौन करिबा सीरीज रे जे सोचंती हमकु दीटांग रेजिस्टर को मिसेके गोटे रेजिस्टर बा गोटे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बाहर करिया पई पडबो या फिर सिंपली तमे कौन करिबा ना एस प्लस फाइव कर दबो कहिना सीरीज रे अछि जदि पैरेलली कनेक्टेड देथांदा ताले तमे कौन करथांदो कि 1 बाय एस डिवाइडेड बाय 1 बाय 5 कहि कि आर रो वैल्यू बाहर करथांदा किन जे सीरीज रे दिछि हम पेंट इजी हो जाउछि तो ये केते हे गला ना एस प्लस फाइव तो एठी आमे आर बाय एस जगह रे केते लिखिबा एस प्लस फाइव तो ये 50 50 कटी गला तो ये कते गलो 1 बाय 1 तो एठी आर इज इक्वल टू एस प्लस 5 आर इज इक्वल टू एस प्लस 5। अच्छा एबे आमे कोन करिबा एठी जो कंडीशन आमे नेथिले कि आर वैल्यू के देथि बाय 2s तो आर वैल्यू को आमे कोन करिबा ना एथे पे पुट कर दबा तो आर इज इक्वल टू 3 बाय 2s इज इक्वल टू एस प्लस 5। तो एबे एस को एपट को नहीं आस तो 3 बाय 2 एस माइनस एस इज इक्वल टू के प्लस 5। एबे लॉस आगो नियो लॉस आगो हेला के 2 ये के गला 3 एस माइनस ये के गला 2 एस इज इक्वल टू 5। 3 रू 2 गले के एस बाय 2 इज इक्वल टू 5 तो एस इज इक्वल टू के 5 तो गुणे 10 ओम। अच्छा एस वैल्यू 10 ओम बाहर गला तो आर वैल्यू बेबे कोन बने बाहर जीवो तो आर इज इक्वल टू के 3 बाय 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 आर इज इक्वल टू 3 बाय 2 एस तो ये केते गला आर इज इक्वल टू 3 बाय 2 इनटू एस रो वैल्यू केते 10 तो ये गला 10 3 के 30 बाय 2 30 टू 2 कटले केते 15 ओम। ता माने एठी आर रो वैल्यू बाहरला केते 15 ओम एस रो वैल्यू केते बाहरला 10 ओम। तो क्वेश्चन एथि आमे आउथरे बुझिबा क्वेश्चन हैला कोन ए फिगर टारे ए जो फिगर अछि तमरो सिदी छी ए फिगर रे ई गोटे मीटर रिस ए मीटर रिस रे एठी गोटे रजिस्टर लगे छी एठी गोटे रजिस्टर लगे छी आ एठी नल पॉइंट देखि छी 60 रे हैला तो नल पॉइंट केतरे देखि छी 60 रे देखि छी ता पोरे क्वेश्चन पुनी आउरी बढ़ु छी कि जदि आमे एठी आ गोटे 5 ओम रो रजिस्टर कनेक्ट करू जे ताहाले नल पॉइंट शिफ्ट हो जाउछि 60 रु 40 को हैला। तो फर्स्ट कंडीशन हैला कोन फर्स्ट कंडीशन हैला जते बेले में नल लगै छै रजिस्टर सेते बेले 60 रे हम नल पॉइंट देखू छी त माने गोटे कंडीशन सेटा। सेकंड कंडीशन हैला जते बेले में आ गोटे रजिस्टर एठी लगौ छै सीरीज रे ए सहित सेते बेले नल पॉइंट कहू छी 50 को पळै आसु छी बट 10 शिफ्ट हो जाउछि टुवर्ड्स ए ए पॉइंट आईडी को 10 पड़ो छी 60 60 टू 10 पड़ेला 50 को पड़ेला से पचर छी आर आउ एस रो वैल्यू केते। तो ए टाइम रे हमें कोन करू छी ना हमें दीटा कंडीशन हेले फर्स्ट कंडीशन कोन जते बेले हमें लगे नथिले बा ए सहित कनेक्ट कर नथिले ऐड कर नथिले बा सीरीज रे 5 ओम को लगे नथिले तो सेते बेले 60 रे नल पॉइंट बाटला तो सेते बेले हमें गोटे कंडीशन पुट करू छी गोटे इक्वेशन बाहर करू छी देन हमें जिते बेले लगौ जे सीरीज रे सेते बेले जो चेंजेस आसुची सेटा आउ गोटे कंडीशन एबे दिटांग कंडीशन को कंपेयर करिकी आमे आर आउ एस रो वैल्यू को कोन करू छी बाहर करू छी। नॉर्मली आर आउ एस रो वैल्यू को हमको कोन करबार अछि बाहर करार अछि सेथि पई आमे कोन करले फर्स्ट कंडीशन नेले जते बेले 5 ओम कनेक्ट हेइ नथिला आ नल पॉइंट केतरे देखौतला 60 रे सेते बेले आमे आराम से कंडीशन पुट करले कि ए रजिस्टर रेशियो डिवाइडेड बाय ए रजिस्टर मैंने आर बाई एस इज इक्वाल टू के एल बाई 100 माइनस एल तो एल आमको के बाहरला 60 सेंटीमीटर क्वेश्चन गिवेन दीजिए तो 100 माइनस एल के 40 सेंटीमीटर तो आर बाई एस रोटे भैल्यू कौन है बाहरी गला दैट इज 3 बै 2 तो आर हो गला के 3 बै 2 एस। स्टेप टू रे जो क्वेश्चन आउ टे बढ़ुची कि एस सहित आ गए 5 ओम रजिस्टर कनेक्ट हो देन 60 रु 10 ए आड़ी को शिफ्ट हो जाऊँगी नल पॉइंट वैल्यू नल पॉइंट आउ पछु को पड़ोची 10 पॉइंट ता माने 50 को पड़ोची तो सही टाइम रे पुणी कौन कले हमें बाहर कले कंडीशन पुट कले कि आर रेशियो प्लस आर रेशियो इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय 100 माइनस एल तो आर रेशियो डिवाइडेड बाय आर रेशियो
तो आर डिवाइडेड बाय आर रेशियो, आर रेशियो केते एस प्लस फाइव कहीं ना दुटा रेजिस्टर कौथे अच्छी सीरीज अच्छी तो सीरीज कंडीशन में पुट कले एस प्लस फाइव तो ये एस खाली न लगे जेहतु आउ गोटे एक्स्ट्रा रेजिस्टर सीरीज रे लगे आम ये कौन कले ना एस प्लस फाइव कले दैट इज आर एस प्लस फाइव इज इक्वाल टू एल डिवाइडेड बाय हंड्रेड माइनस एल तो मैंने फिफ्टी ये है कैसे फिफ्टी टोटाल है हंड्रेड तो कौन कले आम फिफ्टी डिवाइडेड बाय फिफ्टी एर आर वैल्यू बाहर करदे देन आम एस रैल्यू आर गोटे इक्वेसन बाहर करदे देन ये इक्वेसन में आम आर वैल्यू पुट कले आर वैल्यू आमको बाहर था इटे आम आर वैल्यू पुट कले आर वैल्यू पुट करके कौन कले ना एस फाइंड आउट करदे कि एस रैल्यू है टेन ओम एवं एटी आमर कौन अच्छी ना आर इज इक्वल टू थ्री बै टू एस अच्छी तो एस रैल्यू आमको जना अच्छी तो एस रैल्यू आम ये पुट करदे आर वैल्यू कौन है ना आम आराम से बाहर गला तो ये भाव में बहुत इजी कि खाली फॉर्मूला जानते दरकार कि ये दुटा रेजिस्टर रेशियो आर डिवाइडेड बाय आर रेशियो इज इक्वल टू नल पॉइंट जीत बाहर थी से लेंथ गोटे बाकी हंड्रेड रू से माइनस करदेव हंड्रेड माइनस सेल तो बहुत इजी ट्राए कर एमती डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू नहीं कि दु तीन टाइम एग्जाम्पल यहाँ भी गोटे आई आई टी क्वेश्चन जेडब्ल्यू क्वेश्चन तो बहुत इजी भी थाए आ बुझी भी हम जो सांगे सांगे तुम ये जिनसा पढ़ी छो तो डेफिनेटली इटा को ट्राए करिवो इटा बहुत साहाज्य मेम भी तुमको करे थैंक यू।